अगर आप डीडी फ्री डिश यूजर हो तो अभी आपके टीवी में जो है 5 पुराने चैनल्स देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग 2 हफ्ते होने वाले हैं, तो यहाँ पे इनका व्यूवरशिप, इनके परफॉर्मेंस इस वीडियो में बात करूंगा। और साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से राय लेना चाहूंगा, और साथ ही यहाँ पे स्टार उत्सव, स्टार स्पोर्ट फर्स्ट, सोनी वाह और यहाँ पे स्टार भारत के विषय में भी बात करूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की ट्रू टेक और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहता हूं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि हमारे एक सब्सक्राइबर जो कि शालिनी नाम की है, जो कि एक आर्ट चैनल है, जो कि हैंड से ड्राइंग किया गया, हमारे आरजेपीडिया फैमिली को डेट किया गया है एक प्रिंट इमेज, जो कि दोस्तों आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हो, और ये शालिनी के द्वारा बनाया गया है। आप चाहो तो इनके चैनल्स को जा करके भी एक बार विजिट कर सकते हो। अच्छे यहां पे दोस्तों इन्होंने पेंट इमेज वाले बनाए हैं, और किस तरह से बनाना है आपको पूरी डिटेल्स बेसिक से आपको इसके चैनल्स पे देखने को मिलेगी। और इसका चैनल्स का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है, अगर आपको पसंद है तो आप एक बार जाके इसके चैनल्स को जरूर विजिट करना। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि अपना कुछ और प्रिंट जो है इनके द्वारा बनाया जाए, तो भैया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मेंशन करना, और साथ ही आप एक बार इसके चैनल्स को जा करके जरूर विजिट करें। अगर आपको पसंद आए तो इसके चैनल्स को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भैया इनके वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर शेयर करें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीडियो की, तो यहां पे लगभग 2 हफ्ते होने जा रहे हैं आपके ये पुराने 5 चैनल, स्टार उत्सव, सोनी पल, कलर्स रिश्ते, कलर सिनेप्लेक्स, ते सिनेप्लेक्स, और दोस्तों यहाँ पे जी अनमोल और जी अनमोल सिनेमा। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इनके टीआरपी रेटिंग की बात करूँ तो भैया इनके बगल में कहीं दूर दूर तक जनरल एंटरटेनमेंट की कैटेगरी वाले कोई भी चैनल्स यहाँ पे नहीं भटक रहे हैं, और आने वाले कुछ हफ्तों में ये जो है अपना नंबर 1 स्थान बना लेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इन चैनल्स का यहाँ पे परफॉर्मेंस को लेकर के, तो यहाँ पे जो है भारत की BARC जो कि दोस्तों यहाँ पे व्यूअर रेटिंग जो यहाँ पे पब्लिश करती है सारे चैनल्स का, जैसे कि आपको पता होगा मैंने टीआरपी रेटिंग आप लोगों को बताया है, जिसमें दंगल जो है जनरल एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में हमेशा नंबर 1 पे रहा है। लेकिन अभी 2 सप्ते के अंदर अंदर ये 5 पुराने चैनल्स इतने ज़्यादा देखे गए हैं कि ये दोस्तों टॉप 5 में अपना स्थान बना लिया है। अगर मैं स्टार उत्सव की बात करूँ, सोनी पल की बात करूँ, जी अनमोल की बात करूँ, जी अनमोल सिनेमा की बात करूँ, कलर रिश्ते की बात करूँ, और साथ यहाँ पे रिश्ते सिनेप्लेक्स की बात करूँ, तो भैया ये सभी 5 चैनल्स हैं जिसमें से आपको 2 से 3 चैनल्स ऐसे हैं जो कि टॉप 5 में आ रहे हैं, और बाकी के जो चैनल्स हैं वो टॉप 10 में आ रहे हैं। और दोस्तों बहुत जल्द जो यहाँ पे दंगल को ये रिप्लेस करके अपने स्थान को यहाँ पे कायम करेगी। और यहाँ पे देखिए इन 5 चैनल्स के ऊपर में भैया गजब के आपको कंटेंट दिखाए जा रहे हैं, गजब के नए नए सीरियल आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। और आप लोगों के बीच में अगर सबसे ज़्यादा अगर मैं मांग करूँ तो वो जी अनमोल का था, स्टार उत्सव का था, और रिश्ते सिनेप्लेक्स का था। लेकिन इसी बीच वीकॉम 18 ने आप लोगों को सरप्राइज देते हुए कलर्स रिश्ते को भी यहां पे आपके डीडी फ्री डिश में ऐड कर दिया है। ऊपर दोस्तों आपको नागिन 3, गठबंधन और भी काफी बेहतर जो यहां पे टीवी शो प्रोवाइड हो रहे हैं, और आपके जैसे जैसे मांग यहां पे बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह से दोस्तों यहां पे कलर्स रिश्ते पे टीवी शो भी बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे स्टार उत्सव भी दोस्तों इसके पीछे कम नहीं है, वो भी नए नए यहाँ पे टीवी शो लॉन्च करने जा रही है, और पुराने टीवी शो तो ऑलरेडी वो चला ही रहे हैं। और आने वाले समय में आपको और किस तरह की टीवी शो पसंद है, कौन से नए टीवी शो आप देखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मेंशन कर देना। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे बाकी के चैनल्स जो कि अभी तक आपके डीडी फ्री डिश में नहीं आए हैं, चाहे वो मैं बात करूँ स्टार स्पोर्ट फर्स्ट की, या फिर मैं स्टार भारत की, स्टार मूवीज की, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पे सोनी वाह की, तो ये चैनल्स अभी तक नहीं आए हैं। एक उम्मीद है कि 47 ऑक्शन जो MPG 2 सेट टॉप बॉक्स में होने वाला है उसमें आपको ये चैनल्स देखने को मिल सकते हैं, जिसको लेकर के मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाई है। अब दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं 46 ऑक्शंस में जो MPG 4 सेट टॉप बॉक्स के लिए चैनल्स आए हैं, वहां पे आपको कुछ भी अच्छा, कुछ भी नया चैनल्स देखने को नहीं मिला है। जो ऑलरेडी पहले ही लॉन्च हो चुके हैं वही चैनल्स अपने स्थान को बरकरार रखने के लिए 46 ऑक्शंस में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ज्यादातर न्यूज के चैनल्स और 4 यहां पे चैनल्स जो हैं जो धार्मिक चैनल्स आप लोगों के लिए लॉन्च किए गए हैं, जो कि दोस्तों MPG 4
फोर सेट टॉप बॉक्स वालों के लिए है और इंडिया में वैसे भी एमपीजी फोर सेट टॉप बॉक्स के ग्राहक काफी कम है। अब यहाँ पे एमपीजी टू सेट टॉप बॉक्स की बात करते हैं तो 47 ऑक्शंस उम्मीद है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इनका जो चैनल लॉन्च होगा वो आपको 15 तारीख के बाद आपको देखने को मिल सकता है। तो आपका क्या ओपिनियन है 47 ऑक्शंस को लेकर के और बाकी के चैनल जो कि अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं वो चीज को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। और साथ ही यहाँ पे जो 5 चैनल आप लोगों का एमपीजी टू सेट टॉप बॉक्स में दिखा रहे हैं उस पर आप किस तरह के कंटेंट और देखना चाहते हो, क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर मेंशन कर देना। और एक बार जरूर जाके आप शालिनी आर्ट यूट्यूब चैनल को एक बार जाके जरूर विजिट करें और इनको फिर से पूरे आरजे पीडिया फैमिली की तरफ से थैंक यू करना चाहूंगा जो कि उन्होंने इतनी अच्छी पेंट बना करके डेडिकेट किया है हमारे चैनल्स को, आरजेपीडिया फैमिली को। इसके लिए दिल से उनको धन्यवाद। के पास भी कुछ क्रिएटिविटी है, अगर आपके पास भी यूट्यूब चैनल्स है, आप भी कुछ हमारे लिए अगर अपने फैमिली के लिए कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं तो जरूर डेडिकेट करें। और मुझे इंस्टाग्राम पेज पे जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है वहां पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज पे जाकर के आप मैसेज कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा या तो आप यूट्यूब के इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं क्या नया आप डेडिकेट करना चाहते हो आप अपने आरजेपीडिया फैमिली को। तो अपने क्रिएटिविटी को दिखाओ और भैया सपोर्ट मैं करूंगा, अगर आपका यूट्यूब चैनल्स है तो प्रमोट मैं करूंगा, अगर दोस्तों आप चाहते हो आपके चैनल्स प्रमोट हो तो भैया हमारा प्लेटफॉर्म खुला है आप लोगों के लिए, आप जाओ अपना परफॉर्मेंस दिखाओ, आप अपना वीडियो भेजो, आप अपना क्रिएटिविटी दिखाओ और प्रमोट करने के लिए मैं हूं ही। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के दोस्तों वंदे मातरम, भारत माता की जय।